अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ रोस्टेड बटरनट स्क्वाश सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने इतना सा ये बटरनट स्क्वाश ले लिया है, इसको काट लेंगे। अब एक बेकिंग ट्रे में इनको हम प्री हीटेड ओवन में रोस्ट कर लेते हैं। सॉल्ट इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ और ऑयल। इसके अलावा टी क्लोव्स और टू अनियंस, इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। जी जनाब, ये बटरनट स्क्वाश है वो रोस्ट हो गया है, हमारे अनियंस और गार्लिक भी रोस्ट हो गए। मैं इनको इनका ये जो ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसको इसका ये सारा पल्प निकाल लूँगी और इसको मैं फूड प्रोसेसर में डायरेक्टली इसका पल्प निकालती हूँ। हमने अपने अनियंस, गार्लिक और बटरनट स्क्वाश को इसमें डाल दिया है फूड प्रोसेसर में। अब इसको हम प्रोसेस करके इसमें चिकन स्टॉक या आपके पास वेजिटेबल स्टॉक है वो डालेंगे। चिकन स्टॉक जो है वो मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डालेंगे और इसमें स्मोक पेपरिका डालेंगे हाफ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून में इसमें व्हाइट पेपर भी ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मीठा टेस्ट होता है इसका। हमारा सूप रेडी है। ये सावर क्रीम है ये डालेंगे इसमें। आपको अगर फ्रेश क्रीम पसंद है तो भी आप डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं। ये सावर क्रीम है, ये बहुत अच्छी जाती है इसके साथ। और ये पम्पकिन के सीड्स हैं, मैंने थोड़े से क्रश कर लिए। तो ये हमारा सूप रेडी है। तो जी, इस तरह से आप इसको गार्निश करें और सर्व करें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।